हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निरुपमा सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू फुल हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो। द ऑथर मीन्स राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुइस फिशर। एट फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुइस फिशर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो कि फ्लेमिंगो में प्रेस्क्राइब्ड है, चैप्टर इंडिगो। और इस चैप्टर इंडिगो के राइटर हैं लुइस फिशर। लुइस फिशर वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया। लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। इन्होंने एक वॉलंटियर के रूप में, वॉलंटियर वो होता है जो अपनी सर्विस फ्रीली देता है, मतलब जो अपनी सर्विस के बदले में कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस देता है। तो ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने एज ए अपनी सर्विस दी फ्रीली, टोटली, मतलब उसके लिए उन्होंने पैसा नहीं लिया। एज ए वॉलंटियर ही गेव हिज सर्विस टू ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1982-1920। 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्विस अपनी दी, मतलब ब्रिटिश आर्मी के लिए उन्होंने काम किया एज ए वॉलंटियर। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। वो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार भी काम किया है उन्होंने, और एज ए पत्रकार उन्होंने रिव्यूज लिखे हैं, किसमें, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यूज एंड यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन। और यूरोप और एशिया के बहुत सारे पब्लिकेशंस में उन्होंने अपने आर्टिकल लिखे हैं। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के भी वो मेम्बर रह चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो अ मेम्बर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चैप्टर है इंडिको, एक्चुअली ये एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स टुकड़ा, एक अंश है। उन्होंने एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी का ये एक्सेप्ट है, एक टुकड़ा है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। टाइम एजुकेशनल सप्लीमेंट के द्वारा इनकी जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसको बेस्ट बुक का, वन ऑफ द बेस्ट बुक, जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें हैं गांधी जी के ऊपर लिखी हुई, उसी में से एक इनकी भी ये किताब है। नाउ लेट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द चैप्टर। दिस चैप्टर इज अबाउट गांधी जी एंड हिज स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण, हु वर द शेयर क्रॉपर्स विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। ये स्टोरी है गांधी जी के बारे में और गांधी जी के स्ट्रगल के बारे में, किसके लिए उनका स्ट्रगल, पुअर पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स होता है छोटे किसान, जो गरीब किसान थे चंपारण के। चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, बिहार का एक जगह है, वहाँ पे जो गरीब किसान थे उनके लिए, उनके हक की लड़ाई वो कैसे लड़ते हैं और उनको कैसे न्याय दिलाते हैं, ये पूरी स्टोरी उसी के बारे में है। वो पुअर किसान क्या थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे ब्रिटिश प्लांटर्स के। एक्चुअली वो लैंडलॉर्ड थे, ज़मीन के मालिक होते थे ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज थे वो ज़मीन के मालिक थे और उनकी ज़मीन को बंदोबस्ती के रूप में, मतलब कुछ पैसा पे करके उस ज़मीन को किसान जोतते थे और उसमें फसल उगाते थे। मतलब किसान ज़मीन के खुद मालिक नहीं थे और इसीलिए किसानों की लाइफ बहुत ही मिजरेबल थी। दे लेड अ मिजरेबल लाइफ एंड वर फोर्स टू ग्रो इंडिको अकॉर्डिंग टू एन अग्रीमेंट। और किसानों के सबसे बड़ा प्लाइट था कि उनको इंडिको नाम की एक फसल होती है, इंडिको एक्चुअली एक पौधा होता है जिससे उस समय, उस जमाने में उसको इंडिको की हिंदी में बोलते हैं नील, नील का पौधा। तो इंडिको से ही नील, जो हम कपड़ों में नील देते हैं ना, जो ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है, वो जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो नील के पौधे से निकाला जाता था। तो अंग्रेज क्या करते थे, नील बेचते थे, उसके लिए वो कच्चा माल भारत से ले जाते थे। यहाँ के किसानों को, चूँकि उन्होंने सारी ज़मीनों को हड़प रखा था, तो सारी ज़मीनों के मालिक अंग्रेज थे और वो पैसे पे ज़मीन देते थे किसानों को, और उसमें एक अग्रीमेंट होता था कि आपको अगर उन्होंने इतना, मतलब कुछ ज़मीन दिया है तो उसमें इतना भाग आपको
नील की खेती करनी ही है, और उस नील की फसल का कोई भी यूज नहीं होता था किसानों के लिए, क्योंकि नील का फसल से नील वो जो कपड़े कलर निकलता था, ब्लू कलर का कलर निकलता था, तो वो तो किसानों के किसी काम का नहीं था, उसको तो वो खा नहीं सकते थे, तो वो अंग्रेजों के ही काम का था। अंग्रेज उस कच्चे उस नील के फसल को जहाज में लाद करके ब्रिटेन ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, और वहाँ की बड़ी बड़ी मीलों में उससे नील नाम का वो लिक्विड, वो तरल पदार्थ ब्लू कलर का निकाला जाता था, फिर उसको डब्बा में पैक करके विभिन्न देशों में नील बेचा जाता था। इससे अंग्रेजों को काफ़ी लाभ होता था, मगर अंग्रेजों का इसमें एक भी रुपया एक्सपेंड नहीं होता था, क्योंकि ज़मीन वो किसानों को दे रखे थे और उसमें अग्रीमेंट के रूप में उनसे फोर्सली, उनसे ज़बरदस्ती नील की फसल उगाते थे, और उससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। उतनी ज़मीन पे अगर वो धान गेहूं इत्यादि अन्य के फसल उगाते तो वो उसको खाते भी या बेचते भी, मगर नील पैदा करने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, सारा का सारा फ़ायदा अंग्रेजों को हो रहा था। इससे किसानों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर वो लोग गांधी जी से मिलते हैं, और फिर गांधी जी कैसे उनको इस नील की खेती से मुक्ति दिलाते हैं, ये कहानी सारी उसी के बारे में है। ओके, ये कहानी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, यानी कि लुईस फिशर ने अपनी ज़ुबान से इस कहानी को नैरेट किया है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन में स्टोरी लिखी गई है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड आई विल टेल यू हाउ टू हैपन दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917। अब यहाँ पे लुईस फिशर बोलते हैं कि मैंने सबसे पहली बार गांधी जी को मिला, मैं सबसे पहले गांधी जी को विजिट किया उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो कि सेंट्रल इंडिया के मध्य में है, 1942 ईस्वी में। मैं 1942 ईस्वी में गांधी जी से मिला, और वहाँ पे गांधी जी ने मुझे बताया कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मैंने अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला जो आंदोलन है मैंने कैसे डिसाइड किया, और ये कैसे हुआ, कब डिसाइड हुआ, ये सब मैं तुमको बताता हूँ। इट वॉज इन 1970, बोल रहे हैं कि 1917, अब गांधी जी बता रहे हैं कि ये 1917 का समय था। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। लुईस फिशर बोलते हैं कि 1916 ईस्वी में के दिसंबर में उनको वार्षिक कन्वेंशन मीन्स होता है सम्मेलन ऑफ द नेशनल कांग्रेस पार्टी, गांधी जी कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य थे, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी की हर साल एक सम्मेलन होता था, तो 1916 में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ लखनऊ में, जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए। देयर वर 2,301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स, और वहाँ पे कितने डेलीगेट्स थे, लगभग 2,301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि, और विजिटर्स जो आते हैं विजिट करते हैं, तो वहाँ पे मतलब उस सम्मेलन में 2,301 प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण, एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी याद करके बताते हैं कि जब प्रोसीडिंग चल रही थी, सम्मेलन चल रहा था, वो रिकाउंट करते हैं, याद करते हैं, एक पीजेंट मीन्स होता है गरीब किसान, एक छोटा किसान, फार्मर होता है जिसकी अपनी खुद की ज़मीन होती है, जो अपने खुद की ज़मीन पे खेती करता है उसको बोलते हैं फार्मर। पीजेंट होता है एक किसान जो जिसकी खुद की ज़मीन नहीं होती है, पैसा देकर के किसी की ज़मीन रेंट देकर के किसी की ज़मीन एक साल के लिए लेता है और उस पर खेती करता है, उसको बोलते हैं पीजेंट, जो अपनी खुद की ज़मीन पर खेती नहीं करता है। एक पीजेंट उनके पास आया, और वो भी भारत के बाकी सब किसानों की तरह ही पुअर, गरीब और इमेसिएटेड, काफ़ी दुबला पतला था। उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे
चंपारण क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट था, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस, गांधी ने कभी भी चंपारण शब्द नहीं सुना था, इस जगह को, चंपारण नाम के जगह को कभी भी गांधी जी ने नहीं सुना था। इट वॉज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये चंपारण कहाँ था, फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय, हिमालय की बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बॉटम में, नीचे में, नेपाल जो किंगडम है, नेपाल जो एक देश है उसके बगल में ही है, यानी उत्तर बिहार में चंपारण है, और उत्तर बिहार के से सटा हुआ नेपाल का बॉर्डर मिलता है, उत्तर बिहार के बाद नेपाल ही है, और नेपाल में हिमालय है, तो हिमालय के फूट हिल्स में, उसके मतलब हिमालय के जो बड़ी बड़ी हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बॉटम में, उसके नीचे, उसके आस में चंपारण है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, अब बताया जा रहा है कि एक पुराना अरेंजमेंट, एक बहुत पुराना एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार जो चंपारण के पीजेंट है, किसान है, वो शेयर क्रॉपर्स हैं। शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसान, जिनकी अपनी खुद की जमीन नहीं है, वो पैसा दे करके जमीन लेते हैं, एक साल के लिए उसमें खेती करते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उसी में से एक है, बाकी सब पीजेंट्स की तरह ही बटाईदार किसान है। ही वाज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, मगर रिजोल्यूट मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञ है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। वो कांग्रेस के इस सेशन जो लखनऊ में जो कन्वेंशन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पे आए थे बताने के लिए कि उन लोगों के साथ, उनके जैसे बहुत सारे चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज किस तरह अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह की इनजस्टिस हो रही है, अत्याचार हो रहा है उनके साथ, किस तरह से उनको फोर्स किया जा रहा है नील की खेती करने के लिए, जबकि नील की खेती से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, नील की सारी फसल अंग्रेज ले जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पे मिल में नील नाम का लिक्विड तैयार करते हैं और उसको बेचते हैं, और उसके बदले में, उस फसल के बदले में अंग्रेज एक रुपया भी इन लोगों को नहीं देते थे, उसकी जगह पर अगर ये दूसरी फसल उगाते तो उससे वो लोग अपना भरण पोषण कर सकते थे। तो एक तरह से इनजस्टिस था, मतलब जमीन देने के नाम पे जमीन के बदले में पैसा भी लिए और एक फोर्स किए उनको कि आप ये चीज़, ये फसल पैदा करो, जबकि बिहार के किसान वो पैदा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं था। तो वहाँ पे आए थे कांग्रेस के सम्मेलन में ये अपने इनजस्टिस को बताने के लिए कि हमारे साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, और वहाँ पे उनको किसी ने कहा कि स्पीक टू गांधी, गांधी जी से इस मैटर पे बात करो, वो शायद तुम्हारी कुछ हेल्प करें। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो विथ हिम, गांधी जी इंटरेस्टेड नहीं थे शुक्ला के साथ वहाँ पे चंपारण जाने के लिए, उनको अंदाज़ा नहीं था कि कितनी इनजस्टिस वहाँ पे हो रही है, मतलब वो इसलिए उन्होंने टाल मटोल करने के लिए राजकुमार शुक्ला को कर दिया कि उनके पास अपॉइंटमेंट है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट पहले से हैं, उनके पास एक अपॉइंटमेंट है कानपुर जाने का, और भी बहुत सारे भारत के बहुत सारे जगहों में जाने का, मतलब उनके पास टाइम नहीं है चंपारण जाने का, उनको अभी कानपुर जाना है और भारत के और भी बहुत सारे शहरों में जाना है, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, मगर गांधी जी जहाँ जहाँ गए शुक्ला उनके साथ साथ वहाँ वहाँ गए, कानपुर गए गांधी जी तो गांधी जी के साथ कानपुर गए, और फिर कानपुर के पास जहाँ जहाँ कानपुर के बाद जहाँ जहाँ गांधी जी गए शुक्ला उनके साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद के पास उनका साबरमती आश्रम है, वहाँ पे जब गांधी जी लौट आए अपने आश्रम में तो शुक्ला वहाँ भी आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनको आश्रम में भी फॉलो किए, वहाँ तक आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्ते तक वो उस आश्रम में रहे और गांधी जी के साइड को नहीं छोड़े, मतलब गांधी जी के साथ साथ लगे रहे, जब भी उनको मौका मिलता था गांधी जी से फिर से वही बात, चलिए ना चंपारण। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, बेग मीन्स याचना करना, वो बार बार गांधी जी से याचना कर रहे थे कि एक डेट फिक्स कीजिए, एक डेट निकालिए अपने इस बिजी शेड्यूल में से, हमारे लिए भी एक डेट निकालिए और हमारे साथ चंपारण चलिए। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच अ एंड सच अ डेट। अब गांधी जी यहाँ पे इम्प्रेस हो जाते हैं, शुरू में तो वो टाल मटोल करते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, मगर अब उनकी टेनेसिटी मतलब तपस्या,
एक तरह से उन्होंने तपस्या ही की, दृढ़ प्रतिज्ञा को देख करके, उनकी तपस्या और दृढ़ प्रतिज्ञा को देख करके जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ वो गए। फिर आश्रम आए तो आश्रम में भी आके रहने लगे। जब भी उनको मौका मिलता गांधी जी से बार बार रिक्वेस्ट करते थे, अपनी स्टोरी अपनी कहानी बताते थे। तो इनकी कहानी को सुन करके और उनकी इस दृढ़ प्रतिज्ञा, उनकी इस तपस्या को देख करके गांधी जी इम्प्रेस हो गए और फिर बोले आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच अ सच डेट, मुझे कलकत्ता जाना है इस डेट पे, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो जब मैं कलकत्ता इस डेट को जाऊंगा, तुम कलकत्ता आना और मुझे वहां से चंपारण लेके जाना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता। वो डेट जो थी कई महीनों के बाद की डेट थी कलकत्ता जाने की। तो कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। और जो जिस डेट पे गांधी जी ने बोला था कि मैं कलकत्ता जाऊंगा और तुम वहां पे मुझसे मिलना, उस डेट पे शुक्ला पहले से ही पहुंच रखे हैं और अपने हॉन्चेज मीन्स अपने बैठे हुए हैं, अपने जैसे कि गरीब किसान जमीन पे बैठ जाते हैं ना, उकड़ू ढंग से बैठ जाते हैं, उसी तरह से अपने हॉन्चेज पे पैरों पे बैठ गए, बैठ करके गांधी जी का वेट कर रहे थे। और तब तक वेट किए जब तक से गांधी जी फ्री नहीं हो गए। जब गांधी जी फ्री हो गए, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर जब गांधी जी फ्री हो गए, उनसे मिले और फिर दोनों गांधी जी और शुक्ला एक ट्रेन में बैठे, बोर्ड यानी बैठना, और पटना के लिए निकल गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और वहाँ पे पटना ये लोग डायरेक्ट चंपारण के लिए तो ट्रेन नहीं थी, ये लोग पटना गए और पटना में वो लोग राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के फर्स्ट प्रेजिडेंट हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, और वो कांग्रेस पार्टी के प्रेजिडेंट भी बने थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे। तो शुक्ला जी गांधी जी को लेकर के पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देम देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। और वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो शुक्ला से भली भांति अवगत थे, वो जानते थे कि ये गरीब किसान है, योमेंस मीन्स किसान, गरीब किसान, ये वही गरीब किसान है जो बार बार आता है और हमारे मालिक को पेस्टर करता है, बाध्य करता है कि वो हमारी जितने भी इंडिगो शेयर क्रोपर हैं, इंडिगो की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी हेल्प करें। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन। इसलिए उन्होंने शुक्ला को ग्राउंड पे रहने की इजाज़त दी, जमीन पे बैठाया और उनके कंपेनियन गांधी जी के साथ, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे वो गांधी जी को नहीं पहचानते थे कि गांधी जी कौन है। वो जानते थे कि ये गरीब किसान है राजकुमार शुक्ला जो हमेशा हमारे मालिक के पास आता है और हमारे मालिक से रिक्वेस्ट करता है शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए। तो इसका कंपेनियन इसके साथ भी जो है वो भी इसी की तरह कोई गरीब किसान ही होगा। और गांधी जी का लुक भी वैसा ही होता था, बस एक धोती और ऊपर से एक चादर, तो कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति तो दिखने में लगते नहीं थे, भी एक गरीब किसान की तरह ही लगते थे। तो जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, राजेंद्र प्रसाद उस समय अपने घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, और नौकरों ने गांधी जी को भी एक किसान ही माना। होम दे टुक टू बी अनदर पिजेंट, उनको भी दूसरा एक किसान ही के रूप में माना, और गरीब किसान समझते हुए उनको जो भी चेयर या बैठने की जगह होगी उस पर बैठने की इजाज़त नहीं दी, जमीन पर बैठाया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द इंटायर सोर्स। अब यहाँ पे लुईस फिशर ने भारत में जो एक प्रथा थी अनटचेबिलिटी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि गांधी जी को चूंकि उन्होंने गरीब किसान माना तो उनको अब परमिशन नहीं दिया गया कि वो जो कुआं था राजेंद्र प्रसाद के घर में उस कुएं से वो पानी निकाल के पी सकें, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो गरीब लोग हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं वो लोग अगर पानी को कुएं के पानी को छू देंगे तो पूरा कुआं का पानी ही पोल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता है कि ये अनटचेबल नहीं है। वो लोग तो जानते थे कि ये भी राजकुमार शुक्ला की तरह ये भी अनटचेबल है, इसलिए उन लोगों को इजाजत नहीं दिया गया कि कुएं से पानी निकाल सके।
गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। फिर वहाँ पे पटना में रहते हुए गांधी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण जाने के रूट पे ही है। पटना से हम चंपारण जाते हैं तो बीच रूट में ही मुजफ्फरपुर है, रास्ते में ही है, तो वो सोचे कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर हो क्या रहा है शेयर क्रोपर्स के साथ, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, आखिर पूरी कंडीशन क्या है। शुक्ला ने जितना बताया सो बताया, बाकी उसके आगे का क्या है ये सब जानने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड करते हैं कि सीधे चंपारण न जा करके बीच रास्ते में जो मुजफ्फरपुर है वहाँ रहेंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अकॉर्डिंगली उन्होंने एक टेलीग्राम, उस समय टेलीग्राम ही चलता था, जल्दी से तुरंत मैसेज भेजने के लिए टेलीग्राम होता था, तो उन्होंने प्रोफेसर जे बी कृपलानी जिनसे गांधी जी प्रोफेसर जे बी कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है शांति निकेतन, वहाँ पे गांधी जी की मुलाकात जे बी कृपलानी से हुई थी, जो जे बी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनको वो जानते थे, इसलिए उनको टेलीग्राम भेजे कि हम लोग आपके यहाँ मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। द ट्रेन arrived at midnight 15 April 1970। जो ट्रेन थी रात के एकदम बीच मध्य रात्रि में midnight में 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर में आती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। और कृपलानी अकेले नहीं आए थे गांधी जी को वेलकम करने के लिए, गांधी जी अपने स्टूडेंट्स, लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट्स को लेकर आए थे गांधी जी को वेलकम करने के लिए। गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और वहाँ पे गांधी जी जब भी कृपलानी के घर पे नहीं रुके, एक प्रोफेसर थे प्रोफेसर मलकानी के घर पे 2 दिन तक रुके, जो कि प्रोफेसर मलकानी कौन थे, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज गांधी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर ऑफरेड टू सो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एक्चुअली उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था और गांधी जी वॉज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ होम रूल रिवोल्यूशन। तो उस समय होम रूल आंदोलन चल रहा था और गांधी जी भी उस होम रूल आंदोलन के सपोर्टर थे। तो गांधी जी मलकानी के घर पे 2 दिन रुके, तो गांधी जी बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी उस समय में, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो उन लोगों के लिए एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग ही था कि वो एक ऐसे इंसान को जो होम रूल आंदोलन के साथ सिंपैथी रखता है, होम रूल आंदोलन का एक भाग है, उसका सपोर्टर है, उसको हार्बर यानी शरण देना, अपने घर पे रखना, तो एक ऐसे इंसान को जो कि होम रूल आंदोलन से जुड़ा हुआ है उसको अपने घर पे शरण देना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स थी, क्योंकि लोग डरते थे, क्योंकि होम रूल आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसका जो सपोर्टर है, उसका एक पार्ट है, उसको अपने घर पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखता है और अंग्रेजों को ये बात पता चल जाएगी तो उसकी नौकरी खतरे में हो सकती थी। तो मलकानी, प्रोफेसर मलकानी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग ही किया, काफ़ी करेज दिखाया और गांधी जी को अपने घर पे रखा। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। गांधी के आने का कारण, एडवेंट मीन्स होता है अराइवल, गांधी का अराइवल, द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट मतलब गांधी का अराइवल, गांधी जी का आगमन एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन और उनका जो मिशन है, जिस मिशन से वो आए थे, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, तुरंत ही मुजफ्फरपुर के द्वारा चंपारण तक पहुंच गया कि गांधी जी क्यों आए हैं, वो आए हैं शेयर क्रोपर्स की हेल्प करने के लिए। ये बात अभी गांधी जी के चंपारण, अभी गांधी जी मुजफ्फरपुर में ही है और यहीं से वो बात चंपारण तक चली गई। शेयर क्रोपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई
कॉन्वियंस टू सी देयर चैंपियन। और जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, उनको जब ये बात पता चली कि गांधी जी आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो लोग ऑन फुट पैदल ही और किसी कन्वीनियंस यानी किसी साधन से, किसी ट्रांसपोर्ट से वो मुजफ्फरपुर आने लगे अपने चैंपियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर में जितने भी लॉयर्स थे, वकील थे, उन लोगों को गांधी जी ने बुलाया ताकि वो गांधी जी को बताएं कि सिचुएशन क्या है, शेयर क्रॉपर्स जो पीजेंट हैं, गरीब किसान हैं, उनके साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनको फोर्स कर रहे हैं नील की खेती करने के लिए, मतलब पूरी जानकारी लेने के लिए क्या कंडीशन है। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। और उन्होंने बताया कि वो लोग पीजेंट्स का साइड, मतलब बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स ने जो किसान थे, उन्होंने कुछ वकील रख रखे थे अपना केस लड़ने के लिए कोर्ट में अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने उन लॉयर्स को बुलाया और जानना चाहे कि क्या उनका पक्ष है। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। और यहाँ पे लॉयर्स ने बताया कि हाँ, इस तरह का केस किया है किसानों ने, ये उनका केस है, इस तरह से अंग्रेज उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और हम लोग उन किसानों का केस कोर्ट में लड़ रहे हैं और उसके बदले में हम लोग इतनी फीस उनसे लेते हैं। उन्होंने अपनी फीस के बारे में बता दी कि कितना फीस वो लोग किसानों से, गरीब किसान से, लॉयर्स कितना फीस लेते थे, ये भी उन्होंने बता दिया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी यहाँ पे चाइडेड मीन्स होता है डांटना। गांधी जी ने लॉयर्स को, वकीलों को डांटा कि आप लोग कैसे गरीब किसान से इतना मोटा फीस ले लेते हैं। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। अब गांधी जी बोलते हैं कि मैं इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि हमें कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए, कोर्ट्स से हमें न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट्स में भी जो जज हैं वो भी तो अंग्रेजी हैं, ये केस अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेज उनका दमन कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उन अंग्रेजों के खिलाफ जो कोर्ट में किसान गए हैं, उस कोर्ट में जो जज है वो भी अंग्रेज है, तो वो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेंगे, तो इसलिए वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टॉप कर देना चाहिए कोर्ट जाने का, क्योंकि कोर्ट जाने से कोई भी लिटिल गुड, कोई भी फायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्ट्रिकन, लो कोर्ट्स आर यूजलेस। किसान जो इतने क्रस्ट हैं, पूरी तरह से दबे, क्रस्ट मीन्स दबा देना, कुचल देना, किसान यहाँ के कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, फियर स्ट्रिकन है, डरे हुए हैं, तो लॉ कोर्ट्स कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए, क्योंकि जब तक से उनके अंदर का डर नहीं जाएगा, अंग्रेजों को लेकर के जो उनके मन में डर भरा हुआ है, इसी वजह से अंग्रेज उनका दमन कर रहे हैं। एक दिन, जिस दिन उनके अंदर का डर निकल जाएगा, अंग्रेज उसी दिन उनको परेशान करना, उनको टॉर्चर करना, उनको प्रताड़ित करना छोड़ देंगे। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे बड़ा रिलीफ होगा उनके डर को उनके दिल से निकाल देना, तभी वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन बाई इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेंट्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण के जितने भी अरेबल लैंड हैं, अरेबल लैंड यानी उपजाऊ भूमि, जितनी भी उपजाऊ भूमि थी वो सब कई कई बड़े बड़े स्टेट्स में बांटे हुए थे और सब इंग्लिश मैन के द्वारा ओन किए जाते थे। ओन यानी सबके मालिक इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज उसके मालिक होते थे। एंड वर्कड बाई इंडियन टीनेट्स, और उन ज़मीनों पे काम कौन करता था, खेती कौन करता था, इंडियन टीनेट्स। टीनेट्स यानी जो किराया दे करके, टीनेट्स यानी किरायादार होता है, यानी कि हम किसी, हमारे पास अगर अपना घर नहीं है तो हम जिसका घर है, मकान मालिक को हम किराया दे करके उस घर में रहते हैं, तो हम टीनेंट हो गए। उसी तरह अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो जिसके पास ज़मीन है उसको हम उसकी ज़मीन का एक साल का किराया दे करके और उसकी ज़मीन में हम फसल उगाते हैं तो वो भी हम टीनेंट हो गए, मतलब पैसा दे करके ज़मीन को यूज करना। तो जो इंडियन टीनेट्स, ज़मीन के मालिक कौन थे, इंग्लिश मैन, अंग्रेज, और उस पर फसल कौन उगाते थे, इंडियन टीनेट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिको, मेन कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप होता है वो क्रॉप जो वाणिज्य के रूप में प्रयोग होता है, जो खाने के रूप में नहीं, जिस जो व्यापार में प्रयोग होता है, वो था इंडिको, नील की फसल। नील की फसल खाने में उपयोग नहीं होती थी, नील को कोई खा नहीं सकता था, ये फसल कमर्शियल क्रॉप था, इसका उपयोग व्यापार में होता था, इससे नील नाम का एक लिक्विड निकाला जाता था
जो कि बाजारों में बेचा जाता था कई देशों में. द लैंड लॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीनियर्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विथ इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. जो लैंड लॉर्ड्स थे यानी अंग्रेज थे, वो सारे किसानों को फोर्स करते थे, कंपेल करते थे, मतलब जबरदस्ती उनको मजबूर करते थे कि 3/20 यानी 20 में से 3 हिस्सा या 15% या 15%, मतलब पूरी जमीन का 15% उनको इंडिगो की फसल उगानी ही है और पूरी की पूरी फसल को रेंट के रूप में अंग्रेजों को जमा कर देना है. मतलब कि उनको किसानों को उस फसल का एक भी रुपया नहीं मिलेगा, वो रेंट के रूप में चला जाएगा. दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ये बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हुआ था, मतलब एक दो साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट था. प्रेजेंटली द लैंड लॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. दे देयर अपॉन ऑब्टेंड अग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स. अब इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी एक कंट्री है जहाँ पे सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक यानी नकली इंडिगो, वहाँ पे इन्वेंशन हो गया, वहाँ की फैक्ट्रीज में नकली इंडिगो पैदा हो गया. और ये जो नकली इंडिगो था, नकली नील था, ये जो फसल से जो इंडिगो, फसल से जो नील तैयार हो रहा था लिक्विड, उससे ये काफ़ी सस्ता था. तो अब अंग्रेजों का नील मार्केट में, विदेशी मार्केट में नहीं बिक रहा था क्योंकि जर्मनी का नील काफ़ी सस्ता था. जर्मनी ने एक केमिकल के द्वारा नील बनाना की विधि तैयार कर ली थी और जर्मनी का नील काफ़ी सस्ता था. तो अब विदेश के मार्केटों में, मार्केट में जर्मनी का ही नील बिक रहा था. अंग्रेजों का नील काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए अब उसके खरीदार नहीं थे. इसलिए अब अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था. वो अब नील की प्रोडक्शन को स्टॉप करना चाहते थे, रोकना चाहते थे, क्योंकि अब उनको इससे नुकसान हो रहा था. जर्मनी के नील के आगे उनका नील कहीं टिक नहीं रहा था महंगा होने के कारण. तो वो अब इसको स्टॉप करना चाहते थे, अब नील का उत्पादन बंद करना चाहते थे. तो देयर अपॉन ऑब्टेन अग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बींग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट. तो उन्होंने जो 15% अरेंजमेंट कर रखा था किसानों से कि आपको 15% अपनी ज़मीन का 15% नील उगाना ही है, अब इसको वो ख़त्म करना, अग्रीमेंट को या ऑब्टेन करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे. मगर इसके बदले में, चूँकि किसानों को तो ये नहीं पता है कि अब इनका नील नहीं बिक रहा है, इसलिए इनकी मजबूरी है कि अब नील की खेती को बंद करवाएं, क्योंकि इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं है. मगर अंग्रेजों ने ये बात किसानों से छुपाई और उन्होंने एक तरह से लगा जैसे कि एहसान कर रहे हैं भारतीय किसानों पे कि ठीक है अब हम तुम लोगों को इस नील की खेती से मुक्त कर देते हैं. मतलब जो ओरिजिनल बात थी वो अंग्रेजों ने छुपा लिया और इसको एहसान के रूप में भारतीय किसानों के आगे पेश किया कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है तुम लोगों को दिक्कत हो रही है इससे नील की खेती से, तो तुम लोग नील की खेती अब मत करो, हाँ मगर इसके बदले में कंपेंसेशन मनी, इसके बदले में तुम्हें हमें एक मोटा रकम चुकाना होगा. अगर तुम नील की खेती नहीं करना चाहते हो तो ठीक है नील की खेती मत करो, मगर उसके बदले में हमें पैसा दो. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वॉज अक्सम टू द पीजेंट एंड मेनी साइंड विलिंगली. एक्चुअली ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था ये बहुत ही अक्सम, मीन्स होता है क्लेशजनक, इरिटेटिंग, ये बहुत ही किसानों को नुकसान दे रहा था. इसलिए पीजेंट जो किसान थे इससे परेशान थे, तो इसलिए उन्होंने साइन कर दिया, जो अग्रीमेंट था उस पर साइन कर दिया और पैसा दे दिया. जिन लोगों के पास कुछ पैसे थे उन्होंने अंग्रेजों को पैसा उसके बदले में, मतलब तो नील की खेती न करने के बदले में अंग्रेज जो पैसा मांग रहे थे वो पैसा कुछ किसानों ने चुका दिया. दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने रेजिस्ट किया नहीं देंगे हम पैसा, या जिनके पास पैसा नहीं था, इंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स रखा. द लैंड लॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंड लॉर्ड्स जो अंग्रेज थे उन्होंने ठग यहाँ पे है वो लठ के साथ जो गुंडे होते हैं किसानों को मार के पीट के उनको धमकाने वाले, वो उन्होंने हायर किया. मतलब जो लोग, जो किसान पैसा नहीं देना चाहते थे, उनको कहीं से पता चल गया होगा कि इनकी मजबूरी है नील की फसल की खेती बंद करवाना, उन्होंने लॉयर, वकील रखे अपना केस लड़ने के लिए, और अंग्रेज क्या किए, ठग हायर किए अंग्रेजों किसानों को मारपीट के धमकाने के लिए, गुंडे. मेनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. इसके बाद ये इसी बीच में गरीब किसानों तक ये बात
फैल गई कि एक्चुअली इनकी मजबूरी है नील की खेती को बंद कराना, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिको बना लिया है। तो अब जिन लोगों ने पैसा दे दिया था अंग्रेजों को, वो भी अपना पैसा मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही सब चल रहा था तभी गांधी जी चंपारण आ जाते हैं।